सच्ची बात तो ये तुझे ज्ञान दे चुके हैं, जो पहले तो तेरा ही कवच नहीं दिया, पहली बात तो ये है, जो कवच है मेरा ही है, वरना तुझे तो बेटा ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती है दरबार के अंदर, अगर मैं तेरे पास ना खड़ी। माता मैं ये कह रहा हूँ, जो पीरों के पीर खान बने हुए थे ये कह रहे थे कि मैं कोई जोर लगाने नहीं जा रहा। हाँ। आपने प्रवेश करके ऐसे ऐसे काम कर दिए, मैं क्या बताऊंगा आपको, पता ही है जो ये पता है तभी तो कह रही हूँ ना। जो ये पट पे हाथ मार के कहते माँ की मैं नहीं जा सकता, आपने उसकी भी गर्दन उल्टी कर दी तेरे चरणों में। तेरा अपमान हो गया तो मेरा अपने आप ही हो गया ना। माँ मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, श्रद्धा में नहीं है तो यहाँ किस लिए पहुँच गया, पहुँच गया ना तू बेटा, अब तुझे भरे दरबार के बीच में बुला लिया ना, ऐसे में किसी को नहीं बुला, तेरा मेरा जो प्रिय बच्चा होता है, भगत होता है, जो मेरे गोद में बैठ चुका होता है, उसी को मैं आवाज दे के बुलाती हूँ, ये मेरी नियम, मैं नहीं बुलाती किसी को, खुद आता जो मेरा प्रिय भक्त होता उसी को आवाज दे के, ये तो पहली बार है, तुझे क्या पता क्या शक्ति चल रही है, तू भी तो यही देखने आया था। माता मेरे को वहीं से जब मैंने पहली बार देखा ना वहीं से मेरा मन खिंचाव हो गया, भी चल रुका नहीं गया मेरे से, अभी भी घर से फोन आ रहे हैं क्या आ जा, मैं क्या अब तो मैं माँ को अरदास लगा दूँ भी माँ बुला ले। हाँ। नहीं मेरे पापा बुला रहे हैं, आपने बुला लिया। एक तो बेटा क्या देना है, जो मेरे साथ चलती है जो आप चौराहे वाली बेटा वो तो वही काटती है ना, वो तो फिर आनी होगी, तो उसका कुछ नहीं देता, उसका दिया कर दू महीने में एक बार दिया, उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ दो लौंग दो इलायची सात पटासे दो लड्डू, उसी में खुश रहेगी, वो चलेगी मेरे साथ, कि भूतों की रानी कहलाती है, चौराहे पर सारी चीज़ें कटती है, संसार में नहीं वो चौराहे पर, तो ये है, ये देखिए। हाँ
आपके साथ हूँ। आपने जो मुझे मैच कर रही हूँ दिमाग से डाल रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीजों से जरा मैं तो हुई तेरे साथ बेटा, तुझे भी थोड़ा बहुत करना। मैं तो अपनी तरह का सम्मान करूँगी, कोई आ गया तो मैं उसने इंसान की तरह ही ट्रीट करूँगी, उसको भी ये सोच उसको इतना ही सम्मान मिले जो आम इंसान मेरे मन। मैं तो उनको मंत्र समझ के कभी खाली नहीं जाने।